ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां पर स्कूली वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने जलती वैन से कूदकर बचाई जान, जलती हुई वैन को छोड़कर भागा ड्राइवर। स्कूली वैन में आग लग गई, आरटीओ की लापरवाही से हो सकता था एक बड़ा हादसा। ड्राइवर ने चलती वैन से कूदकर बचाई अपनी जान। जलती हुई वैन को छोड़कर ड्राइवर भागा। बिना मानकों के गैस के फिटेड वैन ले जाती है स्कूली बच्चों को। आरटीओ की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, एक बड़ा हादसा हो सकता था आरटीओ की लापरवाही से। ड्राइवर ने जलती हुई वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। जलती हुई वैन को छोड़कर ड्राइवर भागा। बिना मानकों के गैस फिटेड वैन ले जाती है स्कूली बच्चों को। आरटीओ की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता है। बिना मानकों के गैस फिटेड वैन ले जाती है स्कूली बच्चों को। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूली वैन में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने जलती वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। बिना मानकों के गैस फिटेड वैन ले जाती है स्कूली बच्चों को। जलती हुई वैन को छोड़कर ड्राइवर भागा और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, के न्यूज इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चलती हुई वैन में अचानक से आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। कानपुर में स्कूली वैन में चलती हुई वैन से अचानक से आग लग गई। वैन में चलती हुई वैन से ड्राइवर कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चलती हुई वैन से अचानक से आग लग गई और ड्राइवर ने चलती हुई वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। स्कूली वैन में आग लगी है। स्कूली वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया आसपास के लोगों में। कानपुर से सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, चलती हुई वैन से अचानक से आग लग गई, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये नवीन नगर इलाके का मामला है। वहां पर एक स्कूली वैन जा रही थी, उसी दौरान अचानक इसमें आग लग गई। क्योंकि ये जो स्कूली वैन उस समय जो सांसद वहां पे हैं सत्यदेव पचौरी, उनके घर से कुछ दूरी पर ही थी, तो उसी दौरान यहां पर एक सुरक्षा कर्मी था पंकज राय ने जैसे ही देखा स्कूली वैन में आग लगी हुई है, पहले तो उसने फायर ब्रिगेड को सूचना कराई, लेकिन देखा कि फायर ब्रिगेड आने में देर हो गई, तो उसने खुद ही घर से समतबल का पाइप निकाल करके आग बुझानी शुरू कर दी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि उस सुरक्षा कर्मी ने फायर ब्रिगेड का इंतजार करने के बजाय खुद ही उसका अपना एक कर्तव्य निभाते हुए वहां से जो पाइप रखा हुआ था पानी का, उसको निकाल करके उसको आग बुझाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ देर में उसने आग बुझा ली। हालांकि जो इसमें ड्राइवर था वो वहां से तुरंत ही गाड़ी देखा उसने आग लगी हुई, तो गाड़ी का गेट खोल करके भाग गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बच्चे, चूंकि ये स्कूल की बस थी, ये स्कूल की ये वैन थी, स्कूल इस वैन में फिलहाल कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन आग कैसे लगी और किस कारण से लगी इसका अभी तक कोई इस बात का कोई नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने सिपाही की जरूर तारीफ की, जो सुरक्षा कर्मी तैनात था उसने सुरक्षा में वहां पर उनके घर पर तैनात था उसने तत्काल उस आग में उसने तुरंत आग को बुझाया है। क्योंकि अगर आग ना तुरंत बुझाई जाती तो अंदर जो उसमें सिलेंडर लगा हुआ था या जो पेट्रोल का टैंक था उसके फटने में उसके फट जाने से आसपास जो घर थे वो भी कहीं ना कहीं हताहत हो सकते, तो जो उधर से निकल रहे लोग थे वो भी हताहत हो सकते थे। इसलिए कहीं ना कहीं सिपाही की एक संजीदगी के चलते और तुरंत उसकी जो कार्रवाई उसने की उसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जिस तरीके से इस स्कूली वैन में आग लगी वो अपने आप में कहा जा सकता है कि अगर उस स्कूली वैन में बच्चे होते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। कहीं ना कहीं आरटीओ की एक बड़ी लापरवाही है कि इस तरीके से इस वैन को ये खुलेआम चल रही है जिनमें ना कोई जांच की जा रही और जांच के नाम पर। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलती हुई वैन को छोड़कर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चलती हुई वैन में अचानक से आग लग गई। स्कूली वैन में अचानक से आग लग गई और आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।